इस वीडियो में मैं आपको guru.com वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। ये वेबसाइट फ्रीलांसिंग वर्क प्रोवाइड कराती है, तो जिन लोगों के पास स्किल्स हैं वेब डेवलपमेंट के, वेब डिज़ाइनिंग के, ट्रांसलेशन वर्क आता है जिन्हें, या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, वो इस वेबसाइट के थ्रू काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट इसका बना हुआ है तो आप इस पर लॉग इन कर लें, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो साइन अप कर लें। मेरे पास अकाउंट है तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैंने लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ कि आपको कैसे प्रोफाइल बनानी है ताकि अगर कोई क्लाइंट चाहे तो आपको वर्क दे सके। और सबसे पहले तो प्रोफाइल पे जाता हूँ। आपको जो है यहाँ पर मेरा नाम दिख रहा है, ये मेरा यूज़र नेम है और ये मेरी जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ की प्लेस है। इसमें आप सर्विसेज में जाएं और ये प्लस एड न्यू सर्विसेज करें। टाइटल में आप जो है किसी भी तरह का जो आपको वर्क आता है उसके बारे में लिखें। डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत बताएं कि आपको क्या आता है। उसके बाद आपको अपने जो स्किल हैं वो लिखने, जैसे कि मुझे एसईओ आता तो मैं एसईओ लिखूंगा। देखिए यहाँ पर कितने सारे आ चुके हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करने हैं बारी बारी। रेट पर आवर में आपको जो है अपना रेट मेंशन करना है कि आप कितने पर आवर में कितना चार्ज करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ $5 और मैक्सिमम बजट आप मेंशन कर सकते हैं। आपको जो कैटेगरी करना है फिर सेव करना है। मैंने ऑलरेडी ये बहुत बना रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ बना रखा है, मैं अपना SEO बना रखा है और ये ऐसे ऐसे आपको जो है अपने जितने भी आपको स्किल आते हैं आपको यहाँ मेंशन करना है अपना। उसके बाद जो है अपने बारे में थोड़ा सा बताना भी है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। और पोर्टफोलियो में अगर आपके पास पोर्टफोलियो तो आप पोर्टफोलियो ला सकते हैं। फीडबैक जब आपका काम करेंगे इस वक्त पे तो यहाँ पर शो होगा। स्किल के बाद है जितना आपको आता है चीज़ों के बारे में आप जो है उस चीज़ को मेंशन करें यहाँ पर, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोफाइल जो है बढ़िया दिख सके। अब ये तो रहा प्रोफाइल का। दूसरी बात है अगर उसके बाद आपको जो है वर्क ढूंढना, वर्क ढूंढने के लिए जो आपके यहाँ फाइंड वर्क है इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपने कैटेगरी आपने भरी है उस चीज़ की, अपने वर्क की, अपने स्किल की, वो सब यहाँ शो करेंगी। तो जो आपकी जो स्किल है जो आपने पूरी मेंशन की है वो लीड्स में शुरू होगी। पॉट्स में जो है आपकी वो शुरू होगी जहाँ पर आपने बिड की है और वो आपको बिड यहाँ पर आपकी शो होगी। टेम्पलेट्स में जो है आप जब भी कोई बिड करेंगे तो आप फ्री टेम्पलेट बना सकते हैं कि आपको बार बार वो चीज़ लिखनी ना पड़े। बिड यहाँ पर आप जो बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ फ्रीलांसर लिस्टिंग है, आप चाहें तो अपना वर्क जो भी आपको स्किल आता है वो आप यहाँ पर मेंशन करें ताकि एम्प्लॉयर्स को पसंद आए तो आपको वो सीधा ही हायर कर सके। और यहाँ पर जब भी आप किसी वर्कर के साथ, एम्प्लॉयर के साथ काम करेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ मेंशन होगी जो उसमें जो आपकी जॉब चल रही हैं, जो आपने अभी तक प्रोजेक्ट पर काम किया वो यहाँ शो होंगी। पेमेंट्स में आप जो आपका पेमेंट्स का सेक्शन शो होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड वर्क्स पे जाना है और देखना है कि आप किस तरह की प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। और जैसे कि देखिए ये साइट ये अच्छा लग रहा है। ये है टाइटल, ये है फिक्स प्राइस और एक आवरली। फिक्स प्राइस का मतलब कि आप जब काम करेंगे तो आपको सबमिट करने पर उतनी ही अमाउंट मिलेगी। आवरली का मतलब है कि जितने भी आपने मेंशन किया है अपना चार्जेस पर आवर का, उसके हिसाब से ट्रैकर एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी पूरी स्क्रीन का स्नैपशॉट लेके क्लाइंट को सेंड करता है। और जब वो अप्रूव हुआ था तो आपको जो है अमाउंट जो आपने भरी है उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है। यहाँ स्टार आप इसे बुक मार्क कर सकते हैं और बिड करने के लिए सेंड अ कोट पर क्लिक करें। तो देखिए जो प्रोजेक्ट है उसमें पहले से मेंशन है फिक्स प्राइस। आप चाहे तो आप फिक्स प्राइस पे कर सकते हैं, आवरली बेस पे कर सकते हैं, ये रिक्रूटमेंट पेमेंट्स पे कर सकते हैं, टास्क पेमेंट बेस पे कर सकते हैं।
तो मैं आपको बताऊँ कि जैसे प्रोजेक्ट होता है उस हिसाब से जो है आप जो चुनिए। यहाँ उन्होंने फिक्स प्राइस रखा है तो आप फिक्स प्राइस पे जाएं और जितना हो अपना जो है माइलस्टोन मेंशन करें। जब आप उस चीज़ को टास्क को कर लेंगे तो आपको जो है अमाउंट यहाँ फिल करनी है वो आपको मिलेगी। और ड्यू डेट में जो है आप कोई भी डेट भरें जो आपको लगता है कि आप इस डेट से पहले पहले कर लेंगे। सेफ पेमेंट बैलेंस का मतलब होता है Through.com है वो कुछ अमाउंट जो है क्लाइंट से ले लेगा, ताकि अगर आप काम करते हैं तो आपकी पेमेंट कहीं रुके ना, आपको पेमेंट मिले। ऑटोमेटिक पे इनवॉइस इसे ऑन करें ताकि ये जो है 7 दिन बाद या 14 डेज या 28 डेज के बाद आपके जो इनवॉइस है वो क्लाइंट को भेजें। स्प्लिट जॉब फी विद एम्प्लॉयर का मतलब है कि गुरु डॉट कॉम जो है कुछ अमाउंट चार्जेस करता है एम्प्लॉयर से और जो फ्रीलांसर से। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपका एम्प्लॉयर ही है वो ही पेमेंट करेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हो पेमेंट पे 2.5 और एम्प्लॉयर पे 5 पॉइंट। अब ये आपको देखना है कि आपको एम्प्लॉयर से 2.5 जो है चार्जेस दिलवाने हैं या एम्प्लॉयर पे 5%, ये आपको देख के करना है। वर्क अपडेट विल बी सेंड, इसमें जो है आपको जो है रिपोर्ट करना है, या आप एवरी डे भी कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वीकली पे करें और फिर कंटिन्यू करें। इसे आप स्किप फॉर नाउ कर सकते हैं। और देखिए सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन में सवाल पूछे गए तो सवाल का जवाब दें, और लास्ट में कुछ अपने बारे में आप बता सकते हैं कि आपने क्या वर्क किया है। और उसके बाद जो है आप जो को कंटिन्यू करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो ने अपने सवाल अच्छे से यहाँ पर सवालों का सब जवाब दिया है उसका कंटिन्यू करें। देखिए जो मैंने आपको बताया सिलेक्ट टेम्पलेट है, और जैसे कि यहाँ पर आप पहले से बना कर रखते हैं, मैंने बना के रखा हुआ है डाटा एंट्री का, तो मैं डाटा एंट्री दबाऊंगा तो ये अपने आप जो है डाटा एंट्री का टेम्पलेट पेस्ट कर देगा। इस तरह से आपको बिड करनी है। बिड करते वक्त आपको ये भी देखना है कि कितने लोगों ने बिड कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर्स 6 आ चुका है, मतलब 6 6 बंदों ने पहले से ही इस प्रोजेक्ट पे जो है अपनी बिड कर दी है। जितने ज़्यादा बिड हो उसके हिसाब से उन्हें उस प्रोजेक्ट को आप छोड़ भी सकते हैं। अगर यहाँ पर 50 हो तो आपकी उम्मीदें बहुत कम हो जाती हैं। तो अगर कम से कम वालों कोर्स पे ही अपनी जो है बिड मारे, और सबसे पहले ये देख ले कि जो भी आपको एम्प्लॉय वर्क दे रहा है क्या वो वेरीफाइड है या नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि उसे सॉल्व करूँ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।